अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पेसेस और रीजन्स ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। देयर आर फ्यू स्पेसेस दैट आर फॉर्म्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी। बेसिकली वो हैव फॉर्म्ड दोज स्पेसेस एंड वी हैव नेम्ड दोज स्पेसेस फॉर द क्लिनिकल एनाटॉमी, सो दैट वी आर व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन द एब्डोमेन वी शुड नो दैट इन विच स्पेस और इन विच रीजन वी आर इन। तो क्लिनिकल कोरिलेशन के लिए इन स्पेसेस को डिवाइड किया गया है एनाटॉमिकली। उनको जो डिवाइड कर रहा होता है उसके लिए पहले आपको जो है ये मैं इंटेस्टाइन की एनाटॉमी बताने लगी हूँ। हमारे इधर जो है राइट साइड पे सबसे पहले सीकम होता है। सीकम के साथ ये असेंडिंग कोलॉन बनता है ऑन द राइट साइड, रिमेम्बर राइट साइड। तो असेंडिंग कोलॉन आगे जाके यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन बन जाता है। ट्रांसवर्स कोलॉन लेफ्ट साइड पे आके नीचे डिसेंडिंग कोलॉन बनता है और डिसेंडिंग कोलॉन नीचे आके यहाँ पे सिग्मॉइड कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन के नीचे फिर रेक्टम और वहां से फिर जो डेफिकेशन है वो एनल कैनाल में स्टूल चला जाता है। तो एनाटॉमिकली जब हमने इन कंपार्टमेंट्स को डिवाइड किया तो हमने ट्रांसवर्स कोलॉन की बेसिस पे डिवाइड किया। हमने ट्रांसवर्स कोलॉन आप देखें कि ये ऐसे ट्रांसवर्सली मिडलाइन में पड़ा हुआ है और ये एब्डोमिन को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो रीजन्स हैं उनको इसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया। तो ट्रांसवर्स कोलॉन इज डिवाइडिंग द पेरिटोनियल कैविटी इनटू टू रीजन्स और इनटू टू कंपार्टमेंट्स। द कंपार्टमेंट अबव द कोलॉन इज गोइंग टू बी सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, वाइल द रीजन प्रेजेंट बिलो द ट्रांसवर्स कोलॉन इज गोइंग टू बी इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। सो वी हैव टू कंपार्टमेंट्स, वन इज सुप्राकोलिक एंड वन इज इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। Here, supracolic compartment is further divided into two spaces. One space is known as intraperitoneal space and one space is known as extraperitoneal. तो जो दो कंपार्टमेंट्स हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन के ऊपर जो हमारे पास बना हुआ सुप्रा और जो उसके नीचे बना हुआ इंफ्राकोलिक। अब सुप्राकोलिक जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में और एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस में। इंट्रापेरिटोनियल स्पेस के अंदर ये चार स्पेसेस फर्दर बनती हैं जबकि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में सिर्फ दो स्पेसेस जो हैं वो बनती हैं। पहले हम इंट्रा पेरिटोनियल स्पेसेस की डिवीजन देख लेते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल स्पेसेस में हमारे पास जाहरी बात है एक स्पेस जो है वो दो स्पेसेस लेफ्ट साइड पे बन रही हैं और दो स्पेसेस जो हैं वो राइट साइड पे बन रही हैं। जो लेफ्ट पे बन रही हैं वो लेफ्ट इंटीरियर स्पेस और लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस है। जो राइट साइड पे बन रही हैं वो राइट इंटीरियर स्पेस है और राइट पोस्टीरियर स्पेस है। अगर आप याद रखो कि लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है ये देखो लेफ्ट इंटीरियर स्पेस बनती है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम वाली साइड पे जा रहा होता है ना। तो जो इंट्रापेरिटोनियल स्पेस है वो बनती, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इंट्रापेरिटोनियल स्पेसेस बन रही हैं वो बन तो रही हैं पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन ऑफ लीवर या जो लोब्स ऑफ लीवर है उनके और डायफ्राम के बीच में। जो मैंने कहा कि डायफ्राम से ही पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस आती हैं और वो लिगामेंट्स जो है लीवर को अटैचमेंट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट इंटीरियर स्पेस बनेगी वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और डायफ्राम के बीच में बनेगी। जो लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, वो लेसर सैक है। लेफ्ट साइड पे पोस्टीरियरली बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम लेसर सैक ही पड़ी हुई होती है। तो लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस इज नोन एज लेसर सैक, वाइल राइट इंटीरियर स्पेस में हमारे पास राइट अब मैंने कहा कि सारी जो इंट्रापेरिटोनियल स्पेसेस है वो बन लीवर और डायफ्राम के बीच में रही हैं क्योंकि डायफ्राम से ही रिफ्लेक्शंस लिगामेंट्स बनते हैं लीवर के ऊपर। तो राइट इंटीरियर स्पेस इज बिटवीन राइट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। अब राइट पोस्टीरियर स्पेस क्या है, लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस को हमने कहा कि वो बिहाइंड फ्री राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम लेसर सैक थी। तो जो राइट पोस्टीरियर स्पेस है वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पाउच बन रहा होता है, उसको हिपेटो रीनल पाउच या उसको मॉरिसन्स पाउच भी कहते हैं। मॉरिसन्स पाउच के आगे वीआईपी लिखो क्योंकि इसके ऊपर 2.5 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें हिपेटो रीनल पाउच की जो है बाउंड्रीज पूछी हुई होती है, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले अब जो ये जो मैं पहले इसको लेफ्ट इंटीरियर जो लेफ्ट इंटीरियर स्पेस है वो मैंने कहा बन रही है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के बीच में और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के साथ ऊपर डायफ्राम के बीच में। तो ये जो लेफ्ट लोब और डायफ्राम के बीच में लेफ्ट इंटीरियर स्पेस बनती है इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नरी लिगामेंट। हमने ये पढ़ा था कि ये वाला जो है ये कॉर्नरी लिगामेंट है हमारे पास जो आगे जाके ट्रायंगुलर लिगामेंट बन रहा। तो ये स्पेस इन फ्रंट ऑफ दिस कॉर्नरी लिगामेंट बनती है। उसके बाद अब ये जो लेफ्ट इंटीरियर स्पेस है ये एक्सटेंड करती है
टूवर्ड्स स्प्लीन, ये स्प्लीन है स्टमक के बिहाइंड लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड पे स्पेस एक्सटेंड करी होती है स्प्लीन तक, तो जितनी भी एब्सिस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन स्प्रेड होगा वो स्प्लीन तक जाएगा। फिर आ जाओ लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस, हमने लेसर सैक को काफी डिटेल में कर लिया है। उसके बाद हम कर लेते हैं राइट इंटीरियर स्पेस। राइट इंटीरियर स्पेस जो है वो ये है, राइट लोब ऑफ लीवर और डायफ्राम के बीच में बनती है। तो ये जो राइट इंटीरियर स्पेस है ये बनती है इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नरी लिगामेंट एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द ट्राइंगुलर लिगामेंट। तो ये जो स्पेस है हम राइट साइड पे ही बात कर लेते हैं, तो ये स्पेस जो है हमारे पास ये कॉर्नरी लिगामेंट और नीचे तक जाती है ट्राइंगुलर लिगामेंट तक। और इसमें जो है इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर से भी आती है। देखो गॉल ब्लैडर नीचे ही पड़ा हुआ है पीछे लेफ्ट, ये देखो राइट लोब की तरफ ही गॉल ब्लैडर पड़ा है, तो इन्फेक्शन यहां से स्प्रेड करेगी या अपेंडिक्स से स्प्रेड करेगी इनटू द राइट इंटीरियर स्पेस। जो राइट पोस्टीरियर स्पेस है हिपेटोरीनल पाउच वो बनता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लीवर है और ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। तो राइट किडनी और लीवर के बीच में जो बीच में पाउच बनता है दैट पाउच इज नोन एज हिपेटोरीनल पाउच और मॉरिसन पाउच एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिपेटोरीनल पाउच की अगर हम बाउंड्रीज करें तो एंटीरियरली इसके राइट लोब ऑफ लीवर और गॉल ब्लैडर होती है। सी ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब जो है वो स्टमक की तरफ जा रही है और ये राइट लोब बड़ी वाली है। तो ये पाउच के जो है एंटीरियरली हमारे पास राइट लोब ऑफ लीवर और इसके साथ ही पीछे पोर्टा हेपेटिस वाला में वो गॉल ब्लैडर पड़ा होगा, तो वो इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना देंगी। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो ये देखो हमें दिख रहा है कि पोस्टीरियरली राइट किडनी आएगी, हमारे पास पोस्टीरियरली राइट किडनी आएगी साथ में सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, ट्रांसवर्स मेसोकोलन एंड हेड ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, ये सारे जो है ये देखो ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है, तो ये हेड ऑफ पैंक्रियाज साथ में डुओडेनम का पार्ट और राइट किडनी ये जो है इस मॉरिसन्स पाउच की जो है पोस्टीरियर बाउंड्री बना देंगी। जबकि सुपीरियरली जो है ना हिपेटोरीनल पाउच के कॉर्नरी लिगामेंट ही पड़ा हुआ होता है, ये रहा वो कॉर्नरी लिगामेंट जो सुपीरियरली लाई कर रहा होता है मॉरिसन्स पाउच के। अगर यहां देखना चाहो तो ये मॉरिसन्स पाउच बन रहा है, कॉर्नरी लिगामेंट यहाँ ऊपर रन कर रहा होता है इस साइड पे, तो ये कॉर्नरी लिगामेंट इसकी सुपीरियर, जबकि इन्फीरियरली इट जस्ट ओपन्स इनटू द जनरल कैविटी। ये देखो यहाँ पे ये हिपेटोरीनल पाउच बन रहा है, नीचे ये जस्ट इट इज ओपनिंग इनटू द जनरल पेरिटोनियल कैविटी। हिपेटोरीनल पाउच की ये बाउंड्रीज दो या तीन नंबर की लाजमी पूछी जाती हैं और ये वाइवा में भी जरूर पूछी जाती हैं। इस डायग्राम को आप अपनी स्केच कॉपीज पे भी बना सकते हो और समझने के लिए इसी को एक बार अच्छे से डिटेल से देख लो।